हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं डेंस ई जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें नीट एमडीएस में भी इस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एज वेल एज क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये बहुत देखा गया है सो डेंस ई वैजिनेटर्स लेट स्टार्ट सबसे पहले बात करेंगे अगर डेंस ई की तो डेंस ई डेवलपमेंटल कंडीशन है ये ओके ये याद रखेंगे ये डेवलपमेंटल कंडीशन है अपियस क्लिनिकली एज एन कस्प ये एसे मतलब एडिशनल कस्प की तरह ये ग्रो हो रहा है और ग्लोब्यूल ऑफ एनामल ऑन दूजल सरफेस ओके ये अक्लूजल सरफेस पे ही रहेगा डोंट डोंट गेट कंफ्यूज विद एनामल पर्ल क्योंकि एनामल पर्ल जो होता है वो रूट सरफेस पे दिखता है और ये जो है ये दिखता है अक्लूजल सरफेस पे। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है ओके ये एक एडिशनल कस्प की तरह दिखता है ओके आप देख सकते हैं फिगर में ये एक एडिशनल कस्प है देखो ये, ये रहा, आपका डेंस इमेजिनेटर्स ओके अब ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द बकल और द कस्प ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स ये एमसीक्यू है कोर्स ये बात है मैं डायग्राम में दिखाता हूं ये आपका बकल कस्प हो गया ये आपका लिंगुअल कस्प हो गया तो उसके इन बिटवीन उसके इन बिटवीन पे ये दिखता है ओके याद रखना है ये यूनिलैटरल भी होता है और बायलैटरल भी होता है एक साइड भी हो सकता है दोनों साइड भी हो सकता है याद रखना है और ये देखा गया है ज्यादा मोंगलॉइड एनसेस्ट्री में जैसे जो चाइनीज जापानीज फिलिपियंस अमेरिकन इंडियंस जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ये ज्यादा देखा गया है ये ओके तो ये आपका एडिशनल कस्प और एसेसरी कस्प यू कैन से ये है तो डेंस इवेजिनेटर्स अब समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है हुआ तो कैसे हुआ सब में तो हो नहीं रहा तो इसकी पैथोजेनेसिस समझते हैं इसमें क्या होता है प्रोलिफ्रेशन एंड इवाजिनेशन ऑफ एन एरिया ऑफ इनर एनामल एपिथेलियम और

तब ये फॉर्म हो जाता है सपोज मैं आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सपोज करो ये एनामल ऑर्गन है ओके okay? ये हमारा एपिथेलियम है ये हमारा एनामल ऑर्गन है ओके दिस इज योर एनामल organ. अब यहाँ पे इनर एनामल एपिथेलियम होता है ओके okay? ये इनर एनामल एपिथेलियम है ओके okay? अब ये इनर एनामल एपिथीलियम क्या होगा प्रोलिफ्रेट होना शुरू हो जाएगा ओके okay? और ईवेजिनेट होगा बाहर की तरफ जिसकी वजह से क्या होगा जब ये ग्रोथ हो रहा होगा एनामल ऑर्गन टूथ फॉर्म कर रहा होगा तो ये क्या होगा एनामल फॉर्म हो जाएगा ओके एनामल फॉर्म हो जाएगा जिसकी वजह से इवेजिनेटस होके ये एक्स्ट्रा कस्ट बन जाएगा ओके अब ये क्या है एक्स्ट्रा कस्प में कंट्रीब्यूट टू इनकंप्लीट इरप्शन कभी-कभी क्या होता है अगर ये एक्स्ट्रा कस्प आ गया तो इरप्शन होने भी नहीं देता दांत को और दांत को मूव भी कर देता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ और पल्प एक्स पल्प एक्सपोजर भी हो जाता है कभी-कभी विद सबसीक्वेंट इंफेक्शन फॉलोइंग अक्लुजियल वेयर और फ्रैक्चर क्योंकि अब ये ज्यादा है और इन्वेजिनेट जब हो गया जब हम मेस्टिकेशन करेंगे च्यू करेंगे तो ये एडिशनल कस्प क्या होगा वियर ऑफ हो जाएगा ऊपर वाले दांत से और डिस्प्लेस कभी कभी टूथ को डिस्प्लेस भी कर देगा और इरप्शन भी नहीं होने देगा ओके okay? तो ये सब प्रॉब्लम आता है अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसमें ट्रीटमेंट तो नहीं है ऐसा कुछ बट क्या होगा कि अगर अक्लूजल इंटरफेरेंस करेगा तो क्या करेंगे अक्लूजल को रिडक्शन कर देंगे हम लोग तो ट्रिम कर देंगे ग्राइंड कर देंगे तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ओके okay? तो थैंक यू सो मच गाइज ये था हमारा डेंस इवेजिनेटर्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए मैं उस अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने में थैंक यू सो मच